In this video, I'm going to show you how you can download free brushes from brusheasy.com. Photoshop में कई बार हमें अपने डिजाइन के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ब्रशेस को डाउनलोड करना पड़ता है. And the process are very easy. यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो किसी भी ब्रश को जिसको भी आपको डाउनलोड करना है. और इसके बाद कई सारे नीचे ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जा रहा है. यहाँ पे कोई भी एक ब्रश के टाइप को आप चूज कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें. गिवन ऑप्शन में से कोई आपको पसंद आता है तो डाउनलोड कर ले, या फिर आप टाइप करके यहाँ पे सर्च कर ले. जैसे मैं एक डिस्पेरिशन इफेक्ट के ब्रश को डाउनलोड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आपको बताऊंगा कि कैसे डिस्पेरिशन इफेक्ट क्रिएट किया जाता है. तो यहाँ पे कई सारे ब्रशेज आपको मिल जाते हैं. एंड यहाँ पे जितने भी ब्रशेज हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फ्री हैं. इसके लाइसेंस को आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको कभी कॉपीराइट का कोई इशू ना हो. तो कई सारे यहाँ पे पैटर्न्स एंड ब्रशेज हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं. गिवन ऑप्शन है, राइट साइड में भी आपके पास कई सारे कैटेगरीज मिल जाते हैं, इनमें भी जाके आप चूज कर सकते हो. बट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसे डाउनलोड करके फोटोशॉप में इंस्टॉल करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो अभी मैंने एक ब्रश को यहाँ पे ओपन करके रखा है, तो मैं इसे डाउनलोड करना चाहता हूँ. तो फ्री डाउनलोड, बस सिंपल सा एक क्लिक करना है आपको और आपका जो ब्रश है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा लाइक दिस. इसी तरीके से ब्रशेज डाउनलोड हो जाते हैं और जिन्हें आप इजिली एक्सेस कर सकते हो. यहाँ पे डाउनलोड शो कर रहा है जो ब्रश डाउनलोड हो चुका है. उसके बाद इस फोल्डर में जाके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं. तो जो भी इफेक्ट आपको पसंद आ रहा है, जैसा आपको डाउनलोड करना है, सबसे पहले तो उस वाले में क्लिक करेंगे. जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्री डाउनलोड का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसमें क्लिक करना है. जो भी लाइसेंस एंड टर्म्स है ये जरूर देख लीजिएगा. आप इसे सेल नहीं कर सकते और इसके अपने जो लिमिटेशन है, बट इसे आप पर्सनल एंड प्रोफेशनली कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है. तो चेक कर लीजिएगा, डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आपके पास शो करेगा कुछ इस तरीके से. एंड जैसे ये डाउनलोड हो जाता है, ओपन फाइल में क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि आपका एक WinZip फाइल है जिसे एक्सट्रैक्ट टू में क्लिक करना है. तो अगर आपके सिस्टम में WinZip नहीं है तो उसे आप गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा. इसके बाद आप इस फोल्डर में क्लिक करके लोकेशन को देख सकते हैं एंड राइट क्लिक करके यहाँ से भी चाहें तो एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक कर सकते हैं. और जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, ओके में क्लिक करेंगे, ब्रश आपके पास डाउनलोड होकर एक्सट्रैक्ट हो चुका है. तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कई सारे ब्रशेस इसके अंदर में आपको मिलने वाले हैं. तो अभी क्या करना है, ब्रश को इनेबल करना है. आप पहले देख सकते हैं कि आपके पास कई सारे ब्रश का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट है. यहाँ पे आपको कई सारे ब्रशेस मिल जाएंगे. तो अभी मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ जो मैंने वो इसे इंस्टॉल करना है. तो यहाँ पे चले जाएंगे गिवन ऑप्शन में से, यहाँ पे इम्पोर्ट ब्रशेस में क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे एंड सिलेक्शन कर लेंगे और लोड में यहाँ पे क्लिक कर लेंगे. इट्स वेरी इजी. तो काफी आसानी से हमने ब्रशेस को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया. तो अभी आप देख सकते हैं नीचे एक स्पेसिफिक फोल्डर बन चुका है. इसे जब मैं यहाँ पे ओपन करूंगा क्लिक करके, तो इसके अंदर में कई सारे ब्रशेस के सैंपल्स हैं. तो 20 ब्रश का यह सेट है और उस पार्टिकल इफेक्ट को हम यहाँ पे बहुत इजिली क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस गाइज. आई होप आपको आइडिया आ गया होगा. तो इस तरीके से आप इनके स्ट्रोक्स को इंक्रीज एंड डिक्रीज करेंगे और इन्हें आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं. कोई भी ब्रश आपको डाउनलोड करना है, brusheasy.com में बहुत सारे फ्री ब्रशेस हैं. इसके अलावा आप Adobe के साइट में भी जाके वहां पे भी ब्रशेस को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल है तो. सो यहाँ पे गैलरी में आपके पास सारे ऑप्शन हैं और आपको इसमें कोई और सेटअप करना है, कोई चेंजेस करना है, तो उसके लिए आपको ब्रश सेटिंग्स में जाना पड़ेगा. तो ये सारे ब्रशेस काफी अलग अलग तरह के इफेक्ट दे रहे हैं जिसमें क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ. तो जो भी इफेक्ट आपको क्रिएट करना है उन सभी चीजों को आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी चीजों को इजिली यहाँ पे यूज कर सकते हैं. सेटिंग में चले जाएंगे, यहाँ पे ब्रश के सेटिंग आपको मिल जाते हैं विंडो में. और यहाँ पे आप जाने के बाद कई सारे ऑप्शन है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है चूज कर लेंगे कैसा आपको चाहिए. एक न्यू लेयर में ले रहा हूँ और कैसा आपको ब्रश यहाँ पे चाहिए चूज कर लेंगे. इसके स्पेसिंग एंड इसके साइज को आप मेंटेन कर सकते हो एंड इसके साथ इसका जो एंगल है वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो. क्लिक करके बाहर में देखेंगे तो आपको दिखेगा किस तरह का ब्रश आपका रियल टाइम वो वर्क करने वाला है. तो जो भी ब्रशेस के टाइप हैं उसे बाहर में क्लिक करेंगे एंड देखेंगे तो जैसा भी ब्रश है वो आपको यहाँ पे शो करेगा. जब आप इसे पेंट करेंगे माउस के बटन को होल्ड करके तो वो यहाँ पे वर्क भी उसी तरीके से करेगा. अभी यहाँ पे जितने भी ब्रशेस हैं, तो कई सारे फ्री ब्रशेस हैं और कई सारे ब्रशेस हैं जो मैंने डाउनलोड करे हैं. तो आप भी इसी तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ब्रशेस को डाउनलोड कीजिएगा. अननेसेसरी ब्रशेस को डाउनलोड करके नहीं रखेंगे क्योंकि वो फोटोशॉप को काफी हेवी कर देगा. अभी चूज करेंगे किसी कलर को फोरग्राउंड में, तो मैं क्लिक करूंगा. तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर.